आप सभी के लिए सुप्रभात। मैं अमित भारद्वाज। सब्जेक्ट है आज आपका मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैकेनिकल थ्रेडरी का सब्जेक्ट है ये, MMI। इसमें आज जो हमने टॉपिक लिया है, जो लास्ट टॉपिक लिया था वो लिया था हमने लीवर मेथड, और आज लिया है हमने वर्नियर मेथड। ठीक है, इससे पहले जो हमने थोड़ा सा पढ़ाया था उसको हम रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आवर्धन विधियों के आधार पर मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हमने कितने भागों में बांटा था? पांच भागों में। वो पांच भाग कौन कौन से थे, जरा हम एक बार फिर रिपीट करते हैं उन चीज़ों को। सबसे पहला था हमारा मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यही तो था। दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और तीसरा था हमारा ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो था। चौथा था हमारा हाइड्रोलिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो था। अब पांचवा था हमारा न्यूमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये पांच प्रकार के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक, ये पांच प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे। सबसे पहला हमारा जो पहला टॉपिक जो मैंने पहले वीडियो डाली थी इससे पहले, वो इसकी विधि बताई थी मैंने, मतलब मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये इन इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो उस इसमें भी हमारी पांच विधियाँ थी, कौन कौन सी थी? सबसे पहले जो मैंने आपको लेक्चर ले चुका हूँ पहले वीडियो फॉर्म में, वो हमारा लीवर मेथड। लीवर मेथड को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपके लिए, लीवर मेथड। दूसरा है हमारा वर्नियर मेथड, जो आज इस पर टॉपिक पर जो चर्चा चलेगी वर्नियर मेथड, इसका वर्नियर कैसे ऊपर का हमने फिगर भी बना रखा है। तीसरा है हमारा स्क्रू एंड स्क्रू नट मेथड, अगले लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। चौथा है हमारा कंपाउंड गियर मेथड, और लास्ट पर है आपका हेलिकल स्ट्रिप मेथड। अब सबसे पहले हमने ये लास्ट लेक्चर में ये बता दिया था आपके लिए, अब चल रहा है वर्नियर मेथड। वर्नियर मेथड टॉपिक का नाम वर्नियर मेथड। वर्नियर कैलिपर का हमने फिगर बनाया है यहाँ पर। वर्नियर कैलिपर में हम आपको बेसिकली बता दें, ये वर्नियर कैलिपर हमारा, इसमें दो स्केल यूज होते हैं, कौन कौन सा? एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। कौन सा? एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, अभी हम बता देते हैं आपके लिए मिटा के इसको। देखिए एक होता हमारा मेन स्केल, इसमें मेन स्केल सूखा नहीं, मेन स्केल। सबसे पहले हम मेन स्केल की बात करेंगे यहाँ पे। एक मेन स्केल जो ऊपर वाला होता है, और एक जो इसके नीचे लगा रहता है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल इसमें एक स्केल, इसमें दो जबड़े होते हैं, देखो स्थिर जबड़ा और स्लाइडिंग जबड़ा, मतलब एक तो मूव करेगा और एक मूव नहीं करेगा। तो जो स्थिर जबड़ा है उस पर हमारा कौन सा स्केल लगा रहता है? मेन स्केल, जिसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? 1 mm। ओके, और जो दूसरा मूवेबल जबड़ा, जो स्लाइडिंग जबड़ा हुआ होता है, उस पर हम वर्नियर स्केल को लगाते हैं। ठीक है, और वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है ये भी तो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बताएंगे आपके लिए कि जो स्थिर जबड़ा होता है जिसमें हमारा मेन स्केल लगा था, मेन स्केल की लीस्ट काउंट कितनी बताइए हमने? 1 mm। जो 1 mm होती है उसको हमने, देखो यहाँ पर चित्र में भी देखिएगा कि यहाँ पे देखो 2 cm के उससे लगाया है, और ये देखिए 4 से 1 point पहले है, मतलब हमने 19 mm, क्योंकि मेन स्केल में तो ये 19 mm हो गया। 19 mm को हमने कितने में उसमें बांटा है? 20 भागों में बांटा है।
इसके 20 भागों में बांटा है। ये नीचे वाले जो भाग है ये कितने हैं, 20। ये कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल। मतलब हमने मेन स्केल के जो 19 भाग है उनको हमने वर्नियर के भाग कितने भागों में बांट दिया है, वर्नियर स्केल के 20 भागों में बांट दिया है। ठीक है, यहां से यदि हम वर्नियर के एक भाग की दूरी निकालें तो कैसे निकालेंगे, 19/20 करके। भाई 19 mm है, 20 भाग में कर दिया है तो एक भाग की दूरी कितनी निकल के आएगी, 19/20 कर देंगे तो इतनी mm निकल के आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अब ये स्थिर जबड़ा फिक्स, जो स्थिर जबड़ा जो है इसमें हमारी दो सतह होती है। देखिए ये बाह्य सतह मापन मतलब एक्सटर्नल सरफेस मेजरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ से हम किसी भी मापन सतह को उसकी बाहरी सतह से बाहरी सतह को माप सकते हैं। गलत है, सॉरी, ऐसा है कि जो उत्पाद जो हमारा होता है उसकी बाहरी सतह को हम इन स्थिर जबड़ों से, स्थिर जबड़े मतलब बाहर मापन सतह, इनसे मापते हैं। देखिए इस तरह से ये इसको बीच में ले लेते हैं किसी भी माप को और इस तरह से ये मापते हैं। तो जो उत्पाद की जो बाहरी सतह है उससे हम इन जबड़ों से मापते हैं। ठीक है, और आंतरिक मापन के लिए हम इन जबड़ों का उपयोग करते हैं। और यदि हम किसी की डेप्थ मापते हैं, किसी की होल की डेप्थ मापते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये स्लाइडिंग जो हमारा ये स्लाइडिंग जबड़ा है ये हमारा आगे पीछे हो जाता है तो ये भी हमारा अंदर गड्ढे में चला जाएगा, ऐसे ये भी हमारा इधर उधर हो जाता है और ये आपस में। लेकिन एक बात और कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है इसके जो जबड़े होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये घिसे ना जल्दी, क्योंकि घिस जाती है काम करते करते। इनकी सतह काफ़ी पतली होती है, पतली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म आपको आसानी से माप सके, सबसे पहली बात। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है जिनसे हम मापते हैं जबड़ों को। बट अब कुछ नए अंदाज में इनको कार्बाइड टिप का बनाया जाता है, कार्बाइड टिप। ठीक है, अब सबसे पहले अब एक चीज और हम बताते हैं आपको यहाँ पे कि इसकी जो लीस्ट काउंट है वो हम कैसे निकालते हैं, क्या लीस्ट काउंट को हम कैसे निकालते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की, ये वर्नियर कैलिपर ही बना हुआ है हमारा, तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकालना, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकालना, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट को हम किस तरह से निकालते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, मैं शॉर्ट में लिख दिया है VC, मतलब वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मैंने अभी बताया था कि मेन स्केल की लीस्ट काउंट कितनी बताई थी मैंने, 1 mm। ठीक है, तो इसकी 1 mm हो जाएगी, मैं बता के चल रहा हूँ पहले। ठीक है, माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर स्केल की मैंने बताई थी कि इसके जो मेन स्केल के 19 भाग हैं इसके 20 भागों में विभाजित है। इसका मतलब मैंने अभी बताया था आपके लिए 19/20 mm होगी इसकी लीस्ट काउंट। ओके, अब हमें को इसमें से 1 mm को 19/20 mm में से घटाना है। ठीक है, करेंगे यहाँ पे एलसीएम 20 आ गया, 20 माइनस का 19 मतलब 1/20, मतलब कुल मिला के ये निकल के आएगा 0.05 mm, इसकी लिस्ट काउंट इतनी हो गई। ठीक है, लिस्ट काउंट निकालने का ये फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तब जाके इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट को निकालते हैं। अब देखिए मान के चलिए, माना कि अब ये तो 19 भाग इसके 20 भागों के बराबर थी। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि इसके मेन स्केल के 49 भाग हों और वर्नियर स्केल के वो 50 भागों के बराबर हों।
तो इसकी डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो वन माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई सिंपल स्केल का तो 1 mm ही है ना डिस्काउंट, तो 1 माइनस इतना इसका जो निकल के आएगा वो 0.02 निकल के आएगा mm। तो मतलब जितने जितने भाग ज़्यादा बढ़ते चलेंगे उसमें से एक प्लस कर देंगे तो हमारा वन ईयर स्केल की जो लीस्ट काउंट निकल के आएगी वो इस तरह से। अभी मान के चलिए कि वन ईयर स्केल के 99 भाग हैं, कितने हैं सॉरी मेन स्केल के 92 भाग हैं, वो वन ईयर स्केल के 100 भाग के बराबर है। कितना? 100 भाग के बराबर। मानो 1 माइनस कर देंगे 1/100 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी निकल के आएगी लिस्ट काउंट 1001। लेकिन इतनी होती नहीं है, इतने में एरर आ जाता है क्योंकि लंबन त्रुटि में एरर आ जाता है। जहाँ जो लिस्ट काउंट लास्ट मापी जाती है, इससे जो मतलब सूक्ष्म माप मापी जाती है वो 0.02 तक मापी जाती है। सबसे पहली बात, एक चीज़ और यहाँ पर हमने आपके लिए, ये तो हमारा लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला बता दिया, अब इससे हम एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कि इसकी जो परास होती है कि ये जो किस किस रेंज में पाई जाती है, इसकी जो रेंज होती है मैंने लिस्ट काउंट आपको बता दिया है, मतलब सबसे सूक्ष्म माप ये कितनी माप सकता है, 0.02 mm, इससे नीचे नहीं माप सकता है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 50 mm भी होती है, 0 से 100 mm भी होती है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर वाली भी आती है, 0 से 150 भी होती है, 0 से 200 भी होती है, और 0 से 300 mm। ये इस प्रकार के वन ईयर हम मार्केट में अवेलेबल है कि जो छोटी छोटी लंबाइयों को जैसे 0 से 100 mm तक माप सकते हैं, 0 से 150 mm तक माप सकते हैं, 0 से जितनी लंबाई की आवश्यकता होती है वो बाज़ार में मिल जाते हैं, उन्हीं को खरीद लेते हैं। तो ये वन ईयर कैलीपर इस तरह से हम यूज करते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया वन ईयर कैलीपर के बारे में, इनके पार्ट्स के बारे में बताया है मैंने, ठीक है। सबसे पहली बात इसका मटेरियल बताया है, मटेरियल कौन सा बताया मैंने, एक तो ये कार्बाइड ट्रिप की बनाई जाती है फिलहाल, वैसे स्टेनलेस स्टील की भी बनाई जाती थी क्योंकि ये घिसेना इस वजह से, ठीक है। इसकी लिस्ट काउंट बताई है मैंने, लिस्ट काउंट इसकी मैंने 0.05 mm भी निकाली थी जब उसके 19 भाग 20 भाग के बराबर थे, और 0.02 mm निकाली है जब 49 भाग मेन स्केल के जो 49 भाग थे वो वन ईयर स्केल के 50 भाग के बराबर थे, तब इसकी 0.02 निकल के आई है। इसकी रेंज भी बताई है। इस तरह से वन ईयर स्केल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने का एक टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।